हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ज्योति इज वेल। सो गाइस, आज का दिन भी रोज की तरह स्टार्ट हो रहा है, जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही। सुबह उठे, नहा लिया और खाना वाना बना लिया और योगी भी गए ऑफिस एंड अभी हम हैं। एंड आज सुबह सुबह एक चीज अच्छी हुई, बस घर से मम्मी ने जो मिठाई भेजी थी वो आ गई हम लोग के पास। एंड सुबह सुबह खा के मजा आ गया, थोड़ी सी मैंने खाई। वैसे मैं मीठा कम खाती हूँ बट उसमें बड़ा ही अच्छा बना था, हलवा था। और योगी तो खा के खुश हो गए, उनका कहना था इसमें मम्मी का टेस्ट है, मतलब मम्मी के हाथ का टेस्ट है। सो जी हाँ, टेस्ट तो आ ही जाता है। बाकी अभी हम सोच रहे हैं थोड़ा बहुत नमकीन या कुछ खा लेती हूँ मैं, ज़्यादा भूख तो नहीं है क्योंकि सुबह सुबह से खाना तो हैवी हो जाएगा, मन भी नहीं करता खाने का। बाकी नाश्ता मैं कुछ सोच नहीं रही बनाने का, अकेले मुझे बहुत वो लगता है, मतलब योगी होते हैं तो साथ में हम लोग बना के खाते हैं ना, वो मुझे बेटर लगता है, अकेले मेरा मन कम करता है। सो इसलिए मैं कुछ बना तो नहीं देखती हूँ। नहीं तो मैं सोच रही हूँ जो जूस था वही पी के काम चला लूंगी, वो भी सही था। सो नहीं तो वही पियेंगे हम। सो गाइस, शाम हो गई है, शाम क्या रात ही हो गई और हम लोग का खाना भी हो चुका है एंड हम जाने वाले हैं बाहर थोड़ा वॉक करने के लिए, जैसा कि हम रोज ही जाते हैं तो आज भी जाएंगे ही और थोड़ा घूम के आते हैं, कुछ लेके भी आते हैं जो चाहिए होगा सामान वो, और बस चलते हैं बाहर। गौर से देखो इस शख्स को, क्या आप पहचान सकते हैं कौन है ये? ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू ज्योतिष वर्ल्ड। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइस, आज की मॉर्निंग फिर से स्टार्ट कर रही हूँ मैं ब्लॉग, आई मीन मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। कल भी थोड़ा सा ही किया था इस वजह से एंड अभी सुबह सुबह बस उठे हैं, पानी वानी ले लिया मैंने अपना और बाकी वही काम सेम रिपीट करने हैं, करेंगे हम। सबसे पहले तो सफाई करके नहा लेते हैं, उसके बाद खाना वाना जो भी है, फिर मिलते हैं आप सबके। गाइस, शाम का टाइम हो गया है एंड शाम को कुछ ना कुछ क्रेविंग होने लगती है खाने की, और अकेले मैं बना के खा लूं ये तो होता ही नहीं है, मतलब मेरा मन ही नहीं करता। होने को तो खा भी सकती हूँ बना के, पर मैं सोच रही हूँ योगी को मैंने बोल दिया थोड़ा मटर लाने के लिए एंड हम बनाने वाले हैं उपमा जो सूजी का बनता है, काफ़ी लोग जानते भी होंगे, जो नहीं भी जानते उनको बता दूँ। एंड मुझको मतलब मुझे बहुत पसंद है, हम लोग उसको बहुत मोस्टली जब थोड़ी भूख लगती है ना तब भी खा लेते हैं और अच्छे से, इसमें कोई ज़्यादा हैवीनेस भी नहीं होती तो हैवी फील भी नहीं होता, अच्छे से पच भी जाता है ये, तो बहुत सही है। एंड अभी मैं वही बनाऊंगी क्योंकि आज तो मेरा पता नहीं मन ही नहीं कर रहा खाना का, भी ज़्यादा मन नहीं कर रहा, तो अगर योगी खाएंगे तो वो खा लेंगे, बाकी कुछ ये खा लेंगे उपमा हम लोग, तो मैं यही सोचती हूँ। और शाम हो रही है वैसे भी, तो मैं सोच रही हूँ तब तक कि सब्जी चॉप कर लेती हूँ थोड़ी, तो वही काट लेते हैं थोड़ा बहुत। तो कुछ सब्जी हमने ये कट कर ली थी एंड कुछ रह गई हैं थोड़ी बहुत, मैं ये प्याज रह गई थी मैं कर लेती हूँ, मैं बता भी दूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। वैसे मतलब मोस्टली लोग जानते हैं कैसे बनाते हैं बट मेरे स्टाइल में मैं कैसे बनाती हूँ वो बताऊँगी। सो अगर आपको पसंद आता है तो आप बना भी सकते हो, नॉर्मल सी बात है, रेसिपी शेयर इसीलिए कर रही हूँ मैं, और ट्राई कर लेना एक बार बना के, अगर आपने नहीं किया है तो बहुत पसंद आएगा आपको। और सब्जियाँ कौन सी डालते हैं वो भी मैं बताऊँगी अभी, तो पहले मैं कट कर लूँ जल्दी से, उसके बाद फिर बताते हैं आपको। बैंक वाली आ रही है, बिना देख काट रही हूँ मैं क्योंकि आँसू ना आए इससे मेरे, बहुत चुपकी आँखों में। बहुत से लोग बोलते हैं ना च्युइंगम खाते हुए काटो तो आँसू नहीं आते, मुझे तो कोई लॉजिक नहीं लगता इसमें क्योंकि ट्राई कर चुकी हूँ मैं, उससे भी आ जाते हैं।
और हर जगह आप च्युइंगम खा के तो नहीं काट सकते ना प्याज, नॉर्मल सी बात है। अगर आप अकेले में हो तो ठीक है, चल जाएगा, बाकी आप अगर ससुराल में हो, घर पे हो, तो च्युइंगम खा के प्याज काटने का ट्राई मत कर लेना, गालियाँ पड़ेगी भाई, सीधी सी बात। वैसे ये है, काम भी नहीं करता तो मतलब भी नहीं है। ओहो इतनी सारी सब्जियां काट ली थी यार, किसी ने नहीं रुलाया, इसने इतना रुला दिया मुझे। मिलते हैं आपसे गाइस। हमने चॉप कर ली है सारी सब्जियां, जो कि है बीन्स, थोड़ी सी गोभी, प्याज और शिमला और मिर्ची। ये है हमारा रबा और ये है क्या बोलते हैं सोयाबरी, एंड इसमें मटर। तो ये है हमारा रवा और इसको थोड़ा सा हमने वो घी में फ्राई किया है। और इसके बाद ये हमारी कढ़ाई, इसमें डाल दिया थोड़ा सा ऑयल और हम इसमें करेंगे जीरा डाल के तड़का लगाएंगे। तो पहले हम डालेंगे, ऑयल गर्म हो गया है, थोड़ा सा जीरा एंड थोड़ी सी राई और चम्मच पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। और अब हम डाल देंगे इसमें सारी सब्जियाँ जो कि हमने कट की थी। और रवा को हमने ज़्यादा मतलब नहीं फ्राई किया क्योंकि एकदम से हमें हलवा नहीं बनाना था, तो उसको ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, मतलब थोड़ा थोड़ा कर लिया है, बट जिससे कि उसका कच्चापन ज़्यादा ना लगे हमें। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे से सब्जियों को, थोड़ा ब्राउन ब्राउन होने तक हल्की सी। तो सब्जियां हो गई हैं थोड़ी सी ब्राउन, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर जो हमने काट के रखे थे, थोड़े से इनको भी थोड़ा सा चला लेंगे थोड़ी देर हम बस। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में ये, खाने में तो टेस्टी बनेगा ही। अभी इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़े से मसाले सारे, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर एंड ऑल्सो मिर्ची। अब इसमें ऐड कर रहे हैं हम पानी, साथ में डाल देंगे इसमें हम स्वाद अनुसार नमक और बॉयल आने तक रुक जाएंगे थोड़ा। तो यार अब पानी भी गर्म हो गया जैसे कि दिख रहा होगा आपको। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी अपनी। ओके मैंने ज़्यादा ही सब्जियां डाल दी हैं ऐसा लग रहा है मुझे, और इसको चला लेंगे अच्छे से। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा उपमा गर्मा गर्म, एंड अब डाल लेंगे इस पे हरा धनिया। हम पेश करते हैं हम गर्मा गर्म उपमा आपके लिए। गर्म गर्म उपमा रेडी है हमारा, और हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, ट्राई करना आप लोग भी जैसे पसंद आए वो।